अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट वन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 है किंगडम प्लांटी। उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसमें बेटे हमने जो दो जनरेशन्स थी, एक थी स्पोरोफाइट जनरेशन विच वाज डोमिनेंट एंड कॉन्स्पिकुअस जनरेशन, एंड सेकेंड वॉज गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। अब हमने ये कहा था कि स्पोरोफाइट जनरेशन गिव्स राइज टू गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट। अब हमने बात ये करनी है कि ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ये बेटे हैं थ्री पार्ट्स। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? ओवरी। एंड ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। अब हमने ये बात की थी, ये क्या पार्ट है? ये है कार्पल। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये क्या है? कार्पल है। और यहां हम क्या बात कर रहे थे? ये क्या है? स्टेमन। एंड स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। इनसाइड द एंथर पोलन सैक इज प्रेजेंट। Inside the pollen sac, pollen grains are present. अब बेटे हम ये कहते हैं कि ये पोर्शन जो है इसे हम कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओवरी फीमेल में होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो यहां पर होते हैं पोलन ग्रेन्स, ये फॉर्मेशन कराएंगे यहां पर, हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस की, और क्या बनाएंगे? और बनाएंगे मेल गैमेट्स, जिन्हें मेल गैमेट्स को हम और क्या कहते हैं? स्पर्म्स। ठीक है, अब बेटा हमने ये कहा है कि ये पोलन ग्रेन्स जो हैं, ये जब ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर, तो मैंने कहा आपको कि ये क्या ट्यूब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कराएंगे। तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, यहां पर दो चीजें आई, एक ये, एक ये। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसने करा दी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। पोलन ट्यूब की वजह से ये जो मेल गैमेट है, यानी कि जो स्पर्म है, वो डायरेक्टली जाता है किसके पास? यहां पर ओव्यूल के पास। ठीक है, वो यहां पर इसके साथ पास इजीली आ सकता है। अब बेटे मैंने ये कहा है कि एक मेल गैमेट, यानी कि ये जो स्पर्म है, ये इस आके यहां एग के साथ मिलेगा और क्या बना देगा? ओस्पोर। ठीक है, अब यहां बेटे हम ये कहते हैं कि वहां फॉर्मेशन हुई थी ट्यूब न्यूक्लियस की। ट्यूब न्यूक्लियस ने क्या बनाना है? एक बनानी है पोलन ट्यूब, एक बनाना है स्पर्म। फर्स्ट स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज करता है और क्या बना देता है? ओस्पोर। और सेकंड स्पर्म जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि इसे फ्यूजन न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसके साथ फ्यूज करता है और क्या बना देता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसमें दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इसे हम और क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको बेटे अभी हम आगे पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये जो ओस्पोर है, अभी हमने बात की, ये स्पर्म और एग मिलकर क्या बना देते हैं? ओस्पोर। ये ओस्पोर डेवलप हो जाता है इंटू एम्ब्रियो। ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन होगी? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। अब बेटे हम ये कहते हैं कि यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि स्पर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये बाद में डेवलप हो जाता है किसमें? एंडोस्पर्म टिश्यू में। एंडोस्पर्म जो टिश्यू है, इसे हम बेटे कहते हैं कि ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और इनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिटिव करेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि एक प्लांट है, ठीक है, उसमें ओव्यूल है, ओव्यूल हमेशा सीड की फॉर्मेशन कराता है। तो हमने ये कहा है कि सीड जो है उसके बाहर हमेशा एक एक सीड है, तो इसके बाहर हम हमेशा कहते हैं कि सीड कोट होता है। ठीक है, तो ये सीड कोट की फॉर्मेशन हम क्या कह रहे हैं कि जो ओव्यूल होता है, ये वाला ओव्यूल, इनकी जो लेयर होती है, यानी कि इंटेगुमेंट होती है, वो क्या बनाती है? वो बनाती है टेस्टा या टेगमेन। टेस्टा या टेगमेन क्या है? ये कवरिंग्स होती हैं सीड के कोट की, यानी कि ओव्यूल की।
अब बेटा आपको पता है कि हमने ये बात की है कि फ्रूट की फॉर्मेशन भी होनी है, क्योंकि हमने बात की एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग एंड फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें है ओवरी। ओवरी की जो वॉल्स हैं बेटा, ये किसमें डिवेलप हो जाती हैं? फ्रूट्स में, ठीक है। अब बेटा यहां हम एक बात कर रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन की। अब हम ये कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि दो मेल गैमेट्स जो हैं वो दो डिफरेंट सेल से साइमल्टेनियसली मिलते हैं, मतलब एक ही टाइम में मिलते हैं, एक ही टाइम में दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए हम इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन अभी हमने बात किया, एक में क्या होता है कि ये जो स्पर्म है ये एग के साथ मिलता है और ये क्या बना देता है? ओस्पोर। और ओस्पोर को हम जाइगोट भी कहते हैं। और ये जो जाइगोट है ये किस में डेवलप हो जाएगा बाद में? ऑब्वियसली इसने किस में होना होता है? एम्ब्रियो में। यहां भी हमने बात की वाली, ठीक है। जो सेकंड है, सेकंड क्या हमने कहा है कि ये जो सेकंड स्पर्म है या मेल या मेट है ये किससे मिलेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस से या फ्यूजन न्यूक्लियस। मैंने अभी आपको बताया कि ये फ्यूजन न्यूक्लियस भी कहते हैं। स्पर्म होता है 1N हमेशा, एग हमेशा 1N होता है, ओस्पोर 2N होता है, जाइगोट 2N होता है, एम्ब्रियो हमेशा 2N होता है। स्पर्म हमेशा 1N होता है, फ्यूजन न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस हमेशा 2N होता है। अगर ये स्पर्म 1N है और सेकेंडरी न्यूक्लियस या फ्यूजन न्यूक्लियस 2N है तो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मस्ट बी ऑफ 3N। तो ये क्या होता है? ये डिप्लॉयड होता है। अब आप ये देखिए, हम कहते हैं, मैंने आपको यहां बताया कि ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है ये डिवेलप किस में हो जाता है? एंडोस्पर्म टिश्यू में। यहां मैंने ये बात की है कि इसमें दो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं। एक फर्टिलाइजेशन कौन सी है कि स्पर्म एग के साथ मिलेगा, बना देगा ओस्पोर यानी कि जाइगोट, जाइगोट क्या बना देता है? एम्ब्रियो। सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि जो स्पर्म है वो फ्यूजन न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है और 3N क्या बना देता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक तो इसमें जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, दूसरी इसमें एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई एक ही टाइम पर, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा ये जो टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी अक्सर आता है। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बेटे हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर।